हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं एक मीठी सी रेसिपी, ड्राई फ्रूट्स के मीठे चावल। इसको आप किसी त्योहार पर बना सकते हैं, गेस्ट के लिए बना सकते हैं, या फिर अपने आप भी खुद बनाकर खा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी बासमती चावल लिया है। इसमें आप बासमती चावल का ही यूज करें। जितना अच्छा बासमती चावल होगा उतना अच्छा आपकी ये रेसिपी बनेगी। अब हम इसको धोकर अच्छे से करीब 10 मिनट इसको भिगो लेंगे। ये मैंने धोकर भिगो दिया है, इसको 10 मिनट ही भिगोना है, ज्यादा नहीं भिगोना है। ये मैंने बादाम लिए हैं, 20-25 बादाम हैं। काजू लिए हैं, काजू को मैंने दो टुकड़े में कर लिया है, बादाम को साबुत रखने हैं। ये कच्चा नारियल है, अगर आपके पास सूखा गोला है तो आप उसके भी टुकड़े कर सकती हैं। थोड़ी सी किशमिश ली है, 4 छोटी इलायची ली है, 4-5 लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता। 1/4 कटोरी मैंने चीनी ली है, आप इसमें चीनी आधा कटोरी भी डाल सकती हैं। अब सबसे पहले हम इन तीनों चीज को घी डालकर भूनेंगे। हम इसमें करीब 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। और हम एक एक करके इन ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। ये कुछ इस तरह से भून लिए हैं। अब हम गैस पर एक कुकर रखेंगे और इसी में हम ये वाला घी डाल देंगे। घी को हम गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम एक एक करके ये मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम तेज पत्ता डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे, 4 इलायची डालेंगे। गैस को कम कर देंगे, फिर हम इसमें भीगा हुआ चावल डालेंगे। और जिस कटोरी से हमने चावल लिया है उसी कटोरी से हम पानी नापेंगे। इसमें हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। चीनी डाल देंगे। ये किशमिश डाल देंगे और ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अब मैं इसमें हल्का सा येलो कलर लगाऊंगी। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो आप इसमें एक चुटकी हल्दी भी डाल सकती हैं। वन चुटकी केसर, इसको भिगाने की जरूरत नहीं है। गैस को तेज कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। एक सीटी आने देंगे, फिर हम गैस को सिम कर देंगे और करीब 2 मिनट तक हम इसको पकने देंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। अब मीठे चावल हमारे तैयार हो गए होंगे, इनको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, पानी बिल्कुल परफेक्ट हुआ है और चावल हमारे गल भी गए होंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसमें एक सीटी लगाई है और करीब 2 मिनट इसको सिम पर पकने दिया है और इसमें से अब गैस निकल चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, खिले हैं बिल्कुल एकदम से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ये मैंने कुछ फ्रेश गुलाब लिया है, ये ताजे गुलाब की पत्ती हैं, इनको इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप कब बना रहे हैं मीठी रेसिपी, मुझे जरूर लिखें।